पाकिस्तानी गुलूकारा आरूज आफ्ताब ने दुनिया मौसीकी के आला तरीन ग्रैमी अवार्ड्स में बेहतरीन परफॉर्मेंस देकर मदाहों के दिल जीत लिए। साल 2022 में अपने मशहूर गाने मोहब्बत से ग्रैमी में बेहतरीन ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस का अवार्ड जीतने वाली गुलूकारा आरूज आफ्ताब दूसरा ग्रैमी अवार्ड हासिल करने में नाकाम हो गई। साल 2023 के ग्रैमी अवार्ड्स के लिए आरूज आफ्ताब को दूसरी मरतबा नामजद किया गया था। पाकिस्तानी नसाद अमरीकी गुलूकारा आरूज आफ्ताब का गाना उदेर ना ग्रैमी अवार्ड के लिए नामजद किया गया। तहम गुलूकारा ने ग्रैमी अवार्ड्स की तकरीब में बेहतरीन परफॉर्मेंस देकर ग्रैमी में परफॉर्म करने वाली पहली पाकिस्तानी गुलूकारा का एजाज़ अपने नाम कर लिया। दूसरी जाने मशहूर गुलूकारा बियोंसे ने सबसे ज्यादा ग्रैमी अवार्ड्स हासिल करने का रिकॉर्ड तोड़ते हुए 32वां ग्रैमी अवार्ड्स भी जीत लिया। बियोंसे इतने ज्यादा ग्रैमी अवार्ड्स हासिल करने वाली दुनिया की पहली फनकारा हैं। अलावाजी हैरी स्टाइल को बेस्ट पॉप वोकल एल्बम के अवार्ड हासिल करने में कामयाब रहे। बेस्ट न्यू आर्टिस्ट की कैटेगरी में अनीता उमर ओपोलो और डोमी एंड डीजे बैक ने अवार्ड अपने नाम किया।